पवित्र माह रमजान का अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे में अधिक से अधिक सवाब हासिल करने के उद्देश्य से रोजेदारों को इफ्तार कराने का सिलसिला तेज हो गया है। हर रोज कस्बे में सामूहिक पार्टी का आयोजन हो रहा। शनिवार को आशानगढ़ स्थित जनता सभागार में बिहार शरीफ भारत गैस एजेंसी के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। रोजेदारों के साथ साथ समाज के हर वर्ग के लोगों ने एक दस्तरखान पर इफ्तारी कर सौहार्द की मिसाल कायम की। सामूहिक रोजा इफ्तार पार्टी को दीन व दुनिया दोनों लिहाज से सराहनीय बताते हुए आयोजक अनूप कुमार उर्फ टीपू ने कहा कि इससे एक तरफ जहां आपसी सौहार्द को बल मिलता है, वहीं नबी की सुन्नत भी अदा होती है। उन्होंने लोगों को एकजुटता का पैगाम देते हुए त्योहारों पर अमन व शांति कायम रखने पर बल दिया। इससे पहले अजान की आवाज पर लोगों ने एक साथ रोजा खोला व मगरिब की नमाज अदा की। आज बिहार शरीफ के आशानगर मोहल्ला में आपसी भाईचारगी कायम रहे, एक दूसरे हिंदू मुस्लिम भाइयों में प्यार बना रहे, इसके लिए भारत गैस एजेंसी के ऑनर टिप्पू जी के द्वारा इफ्तार पार्टी का यहाँ आयोजन किया गया है। इसमें तमाम आशानगर मोहल्ले के मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सब ने मिलकर इस इफ्तार पार्टी में भाग लिए और सब ने इस मोहल्ला के विकास और शांति के लिए सब एक दूसरे को दुआ दिए। वार्ड नंबर 7 आशानगर में भारत गैस एजेंसी के मालिक अनूप कुमार उर्फ टीपू जी के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे आशानगर के पूर्व मेयर साहब सुधीर जी भी उपस्थित हुए, गरिमाई उपस्थिति उनकी हुई। और इस इफ्तार का आयोजन का मकसद है आपसी भाईचारे का संदेश फैलाना। हम लोग आपसी भाईचारे के संदेश के साथ इफ्तार पार्टी में शरीक हुए हैं और अनूप जी उर्फ टीपू जी को, भारत गैस एजेंसी को, आशानगर के तमाम मुसलमान भाइयों के तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं इफ्तार पार्टी का आयोजन करने के लिए।